नमस्कार, राम राम जी। कैसे हैं सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय कल्चर में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे स्नान करने का सही नियम क्या है। आयुर्वेद में सुबह का समय स्नान करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। सुबह में 4:30 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए। स्नान का समय है सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। शाम का स्नान कुछ खास तरह के रोगियों के लिए होता है, स्वस्थ लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए सुबह का स्नान ही सबसे अच्छा होता है। बागवत संहिता में बहुत सख्ती के साथ एक सूत्र लिखा गया है कि सिर के ऊपर गर्म पानी यदि आपने डाला तो 123 रोग आ सकते हैं। मानसिक रोग भी हो सकते हैं और शारीरिक रोग भी हो सकते हैं। इसलिए सिर के ऊपर कभी भी गर्म पानी मत डालिए, और गर्म पानी से स्नान करते भी हैं तो सिर को छोड़कर शरीर के ऊपर पानी डालिए। सिर पर गर्म पानी कभी भी मत डालिए, सिर को सामान्य पानी से ही धोएं। गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन स्नान के लिए हमेशा ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। ठंडे पानी का मतलब जो सामान्य ताप का पानी है उसी से स्नान करें। बुखार की स्थिति में गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को बिल्कुल भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में गर्म पानी से स्नान करना वर्जित बताया गया है। सिर और आँख, ये दोनों शरीर के अंग गर्म पानी से बचाने चाहिए। सिर और आँख दोनों कफ प्रधान है, माने आँख और सिर में सबसे ज़्यादा कफ रहता है। कफ और गर्म पानी की खतरनाक दुश्मनी है। गर्म पानी से कफ तेजी से बढ़ता है, इसलिए आँख और सिर को जब भी धोना हो तो ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठंडी के मौसम में भी हल्के गर्म पानी से स्नान कीजिए। दो तरह का शारीरिक दर्द रहता है, एक हड्डी का दर्द और दूसरा मांसपेशियों का दर्द। मांसपेशियों के दर्द में ठंडे गर्म पानी से स्नान करने पर आराम मिलेगा। यानी कि एक बार ठंडा पानी डालिए, उसके बाद गर्म पानी डालिए। इस प्रकार स्नान करने से मांसपेशियों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। धन्यवाद।